यूपीपीसीएलपीएफ घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दे, इस घोटाले का एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ईडब्ल्यूओ ने दिल्ली से गिरफ्तारी की है। घोटाले में अकाउंटेंट ललित की हुई है गिरफ्तारी। करोड़ों रुपए की धांधली का लगा है आरोप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, घोटाले में अकाउंटेंट ललित की गिरफ्तारी की गई। करोड़ों रुपए का धांधली करने का आरोप लगा है। ब्रोकरेज फर्म एसएमसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है ललित, और मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो यूपीपीसीएल पीएफ घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गगन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। गगन, ललित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ इन पे केस दर्ज है? देखिए, घोटाले में गिरफ्तारी हुई है वो ललित गोयल की गिरफ्तारी हुई है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है ईओडब्ल्यू की टीम ने। माना जा रहा है कि इसी ललित गोयल के कहने से ही पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड और जेटेपल में फर्जी दस्तावेज लगाया गया था, जिसके बाद मान सकते हैं कि मुख्य सूत्रधार था यही, और इसी की गिरफ्तारी करने के बाद माना जा रहा कि अब जल्द ही पूरे जितने भी मुख्य सूत्रधार थे उनको ईओडब्ल्यू पकड़ चुका होगा और मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी जी, तो ये गिरफ्तारी कब हुई है? अभी कल देर शाम ईओडब्ल्यू को सूचना मिली थी कि ललित गोयल दिल्ली में रुका हुआ है, और क्योंकि पहले से ही जांच से पता चल चुका था कि ललित गोयल की ही पूरी भूमिका थी फर्जी दस्तावेज को लगाने की, और कैसे पूरी तरह से पैसा पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड और बीएसएफएल में लगाया गया। तो इसी के चलते कल दिल्ली से ईओडब्ल्यू की टीम ने ललित गोयल को गिरफ्तार किया है। जी, तो कहा यह जा रहा है कि करोड़ों रुपए का घोटाला का मामला सामने आया है, अकाउंटेंट है ललित, पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तरफ से कोई बात सामने आई है क्या बाहर? देखिए, फिलहाल देर रात गिरफ्तार किया गया था ईओडब्ल्यू की टीम ने, क्योंकि पहले से ये घोटाले की जांच कर रही थी, ईओडब्ल्यू की जांच कर रही थी। तभी ऐसे कहा जा रहा था कि इसमें जो मुख्य सूत्रधार है वो ललित गोयल का ही नाम सामने आ रहा था, क्योंकि ये ललित ये था, और जितनी भी चीजें जितने भी कागजात लगने थे, दस्तावेज लगने थे, वो ललित गोयल को मालूम था कौन कौन से लगने हैं, तो वो उसकी ललित गोयल को पता था। ललित गोयल ने ही जिस तरह से पूरी भूमिका बनाई, पूरी प्रारूप बनाया, तो ईओडब्ल्यू को एक बड़ी सफलता मान सकते हैं कि ईओडब्ल्यू को बड़ी सफलता मिली है इस पूरे घोटाले खोलने के लेकर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए।